फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये सेल के अबाउट है। तो दो तरह के सेल हम डिस्कस करते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो अगर एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें तो इसमें दो चीजें मेन होती हैं, एक है प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नंबर वन, एंड सेकेंड इज प्रोटोप्लाज्म। राइट, तो सेल में बेसिकली दो चीजें हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि लिविंग पार्ट ऑफ सेल, लिविंग पार्ट ऑफ सेल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब अगर लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, प्रोटोप्लाज्म है, तो कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल है, तो ये कौन सी चीजें मौजूद हैं? तो इसके लिए हम लिखेंगे दो चीजें हैं जी। नंबर वन इज साइटोप्लाज्म और नंबर टू न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, बेसिकली जिस सेल में ये दोनों चीजें होंगी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, वो सेल हम कहेंगे कि लिविंग सेल है, और उसको कलेक्टिवली हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की कलेक्शन का नहीं है, कलेक्टिवली इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो अकेला साइटोप्लाज्म जो है ना वो ग्रो नहीं कर सकता, प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर असर रियल ग्रोथ के जो है ना हम बात करेंगे ग्रोथ के हवाले से नहीं वर्क कर सकता। और अगर अकेला न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो भी ये जो ग्रोथ के कंटेंट्स के हवाले से डिस्कस करें तो उसको पूरा नहीं करता। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जैसा कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, राइट, साइटोप्लाज्म है। और सीव ट्यूब सेल जो है उसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो दोनों का जो है ना वो होना जरूरी है प्रोटोप्लाज्म के लिए, राइट। तो जो आज बेसिक टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की दो टाइप्स हैं। फर्दर साइटोप्लाज्म को मतलब आगे हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं इस तरह से। नंबर वन इज साइटोसोल एंड नंबर टू इज ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, राइट। अब साइटोप्लाज्म दो चीजों पर मुश्तमिल है, नंबर वन साइटोप्लाज्म दो चीजों पर मुश्तमिल है, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल बुक पे लिखा हुआ है कि सोलबल पार्ट ऑफ सेल, राइट। सेल का सोलबल पार्ट जो है उसको उन्होंने कहा कि साइटोप्लाज्म है। अगर सोलबल पार्ट ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म, राइट, और ऑर्गेनेल्स क्या है? ऑर्गेनेल्स बेसिकली वो कंटेंट्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रही हैं। तो आप इस तरह से कहेंगे कि अगर साइटोप्लाज्म में से साइटोसोल को माइनस कर दें तो बाकी जो चीजें बचेंगी, यानी साइटोसोल को निकालें तो वो चीजें कहलाएंगी ऑर्गेनेल्स, यानी ये सोलबल पार्ट नहीं है, ये सेल का सोलबल पार्ट नहीं है। साइटोसोल सोलबल पार्ट है। मसलन अगर इस तरह से सोलबल पार्ट है कि फूड या फिर अदर कुछ मटेरियल जो कि सेल के लिए जरूरी है वो सारे डिसॉल्व हैं, सोलबल हैं, ऑर्गेनेल्स सोलबल नहीं है। तो ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म कहलाएगा, राइट। और जो साइटोसोल है ये इसको मजीद आगे फर्दर दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। फर्दर दो हिस्सों की हम बात करेंगे इसके लिए। एक होगा कोलाइडल सोल्यूशन और एक सोल्यूशन होगा ट्रू सोल्यूशन। तो साइटोसोल हमने बात कर दी कि सोलबल पार्ट ऑफ सेल, सोलबल पार्ट क्या, जो हल हो चुका है, जबकि ऑर्गेनेल्स ये तो नॉन सोलबल है, ये तो हल ही नहीं है। तो ये सोलबल पार्ट है, ये क्या है, नॉन सोलबल पार्ट है। तो सोलबल पार्ट मजीद दो तरह का है, एक है कोलाइडल और एक है ट्रू। ट्रू वो है जो कि ट्रांसपेरेंट सोलबल पार्ट है सेल का, और कोलाइडल जो नॉन सोलबल है, बल्कि इस तरह से हम कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है जिसमें से लाइट पास हो सकती है,
लेकिन कोलाइडर जो है इसमें से लाइट प्रॉपर पास नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स इस तरह के हैं सेल के लाइट इसके अंदर स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, और सेल जो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो ट्रू जिसमें से ट्रांसपेरेंट हो जाए लाइट, यानी लाइट ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट गुजर जाए, और साइटोसोल का वो पार्ट जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसलूसेंट है, उसे हम कोलाइडर सॉल्यूशंस कहेंगे। लेकिन कोलाइडर को भी मजीद फर्दर हम दो बातें और इसको डिस्कस करेंगे कि ये दो पार्ट इसके कैसे होते हैं। एक को कहते हैं सोल एंड सेकेंड वन इज जेल। अब यहां पर आपने इस चीज को समझ लेना है कि जो जेल है ये विस्कस पार्ट है, मोर विस्कस, राइट, और सोल जो है ये लेस विस्कस है, ज्यादा गाढ़ा कम गाढ़ा, यानी सोल सोलुबल, राइट। अब इसकी इसको समझने के लिए, ज्यादा इजी समझने के लिए, इस डायग्राम को देखें, गौर कीजिए कि अगर ये सेल है, राइट, एनिमल सेल, यहां पे न्यूक्लियस, राइट, ये एमजी इसमें राइबोसोम्स या ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। ये व्हाइट हिस्सा क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये डॉट से क्या है? राइबोसोम्स, राइट, और ये न्यूक्लियस है, व्हाइट हिस्सा सारा साइटोप्लाज्म है। तो देखें इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक लेट्स सपोज गॉल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें सेल के जो पेरिफेरल पार्ट्स होता है, ये वाला हिस्सा, किनारा, किनारा जो सेल का पेरिफेरल पार्ट्स है, ये हिस्सा, ये ज्यादा थिक होता है, थोड़ा सा ये ज्यादातर थिक स्ट्रक्चर शो करता है इस तरह से। लेकिन जो सेल के न्यूक्लियस के करीब वाला हिस्सा है, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पोरस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की पोरस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान वाले हिस्से को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। सेल का जो न्यूक्लियस है, इसके पास जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है और जो सेल मेम्ब्रेन के पास साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, इस चीज पर फोकस करना है आपने। सोल और जेल में बेसिकली फर्क बताना चाह रहा हूं। जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर घूम रहा होता है, क्योंकि ये मूव कर रहा होता है, ये एक्टिव मैस मूवमेंट कहलाता है। साइटोप्लाज्म की सेल के अंदर मूवमेंट एक्टिव मैस मूवमेंट कहलाएगी, और ये एटीपी को यूटिलाइज कर रहा होता है उस वक्त, राइट। और चूंकि ये मूव कर रहा है, वैसे एक जनरल सी बात है कि जब ये मूव कर रहा है तो इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर जब हम देख रहे हैं कि घूम रहा है, तो किनारों पे जो पार्टिकल्स होंगे, जो वो सेल ज्यादा थिक है, वो जेल कहलाएगा, क्योंकि हैवी और थिक पार्टिकल्स किनारों पे आ जाएंगे, और कम मास वाले जो सेल के न्यूक्लियस के पास पास साइटोप्लाज्म का हिस्सा होगा, वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, किनारों पर स्पीड स्लो होगी, और थिक साइटोप्लाज्म का पार्ट किनारों पर आ जाएगा, और थिन सोलबल पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होगा। तो इसलिए जो सोल का हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ज्यादा है, और जेल वाला हिस्सा इसके पेरिफेरल हिस्सों में है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सेल के पेरिफेरल पार्ट्स में जेल होता है, और सेल के न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब सोल वाला हिस्सा मौजूद होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये बात भी करते जाएं कि जो ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स बेसिकली ये तीन तरह की हो सकती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है इनके ग्रिड, डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, और कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसी हैं जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अगर सेल की हम बात करें, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल की डिस्कशन करते हुए बताएंगे कि जो प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म है उसमें हमें ऑर्गेनेल्स जो है ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं मिलती, लेकिन अगर हम यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म की बात करें तो हमें सेल के अंदर और जो दूसरी सिंगल या डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स मिलती हैं। ओके,
आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।